everyone, what's up? Welcome back to my YouTube channel. Welcome back to Jyoti Verma. I hope you guys are doing absolutely great and staying absolutely safe at home. Today we are going to deliver the most important questions of grade 6 for chemistry syllabus. So chemistry ke sabse zyada important questions ko aaj hum log discuss karne wale hain. So welcome to the session and welcome to yet another video of Let's Revise series. Hum logon ne isse pehle jo video kiya tha usme biology ke sare important questions discuss kiye the. Aaj chemistry ke karenge एंड कल फिजिक्स के भी कर लेंगे. फिजिक्स के ज़्यादा चैप्टर नहीं है तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें. गाइज बिफोर बिगिनिंग इफ यू हैवंट लाइक दिस वीडियो येट आप कर लो या फिर वीडियो को एंड तक देख के लाइक करना. अगर पसंद आए तो ना पसंद आए सो यू कैन डिसलाइक इट. विद दैट शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल इफ यू रियली वॉन्ट टू अप्रिशिएट माई हार्ड वर्क एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. ना गाइज चलिए बिगिन करते हैं. बिगिन करते हुए सबसे पहला क्वेश्चन जो है यार कि वो फैब्रिक होता क्या है. पहला क्वेश्चन यही पूछ लिया है. ये फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर में से पूछा हुआ है. प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ दिस क्वेश्चन बिकॉज ये क्वेश्चन मैंने देखा है काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं. तो मैं इसे थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि आप सबको क्वेश्चन दिखे मैं नहीं इंस्टेड. ठीक है तो वॉट इज़ फैब्रिक. फैब्रिक मीन्स अ वुवन मटीरियल टेक्सटाइल और अदर मटीरियल रिजेंबलिंग वुलन क्लोथ. फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न. फैब्रिक आर मेड अप ऑफ टू मेन प्रोसेसेस नोन एज वीविंग एंड निटिंग. सो वॉट एग्जैक्टली इज अ फैब्रिक. वेन यू फॉर एग्जाम्पल वेन यू हैव अ थ्रेड एंड यू आर वीविंग इट और यू आर निटिंग इट एंड यू आर मेकिंग अ पीस ऑफ क्लोथ तो दैट विल बी नोन एज अ फैब्रिक. इट इज़ अ वोवन मटीरियल. ठीक है फैब्रिक इज अ वोवन मटीरियल और इट इज़ अ टेक्सटाइल. सो या दिस वॉज अबाउट फैब्रिक एंड इट इज मेड अप ऑफ यार्न्स. नाउ गाइज ऑन वॉट फैक्टर्स डज अवर टाइप ऑफ क्लोथिंग डिपेंड. ऑन वॉट फैक्टर्स इज अवर टाइप ऑफ क्लोथिंग डिपेंडेंट. सो इट इज डिपेंडेंट अपॉन द क्लाइमेट द वेदर हेयर. ठीक है अगर आज का वेदर रेनी होगा तो आप रेनी क्लोथ पहनोगे. अम्ब्रेला वगैरह पहन के बाहर जाओगे. अगर इफ इट विल बी समर देन वॉट यू आर गोइंग टू डू. यू आर गोइंग टू वेयर कॉटन क्लोथ. यू आर गोइंग टू वेयर wear light clothes and if it is going to be winter you are going to wear dark clothes and you are going to wear woolen clothes. So your clothing depends on the weather, the culture, the culture as well. कि आपका कल्चर कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हाउ एग्जैक्टली इज़ योर कल्चर. आपके जो डेली नीड्स हैं आपको ऑफिस जाना है या फिर आप घर पे खेलना चाहते हो. आप घर पे खेलना घर पे अगर आपको लाइक फॉर एग्जांपल यार हम लोग अगर हम सबको ऑफिस जाना होता है तो व्हाट डू? वी आर लाइक आपने शर्ट पहना पैंट पहना एक्सेट्रा. यू वियर कोट्स एंड एवरीथिंग. नाउ जब वर्क फ्रॉम होम हो गया था तो ऊपर तो हम लोग शर्ट पहना करते थे बट नीचे वी यूज टू वियर दो शॉर्ट्स एंड एवरीथिंग राइट. तो घर पे रहना होता है तो व्हाट वी आर डूइंग वी आर वियरिंग shorts and everything but when we have to go out then we need to go out in pants and some respective clothes. ठीक है तो our factors on what type of clothing we are wearing the factors are as follows. They are climate, your occupation, your culture and your daily needs. ठीक है ना. नेक्स्ट इज क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर्स इन टू नेचुरल एंड मैन मेड. नेचुरल कौन कौन से इनमें से मैन मेड कौन कौन से. कॉटन इज अ फाइबर. नायलॉन इज अ फाइबर. जूट इज अ फाइबर. इसमें जितने हैं सारे फाइबर हैं बट आपको बताने कौन कौन से सिंथेटिक हैं और कौन कौन से नेचुरल हैं. तो मैं थोड़ा अपने आपको बड़ा कर लेती हूँ क्योंकि अब तो आपको ये क्वेश्चन दिखेगा. यस तो सिंथेटिक कौन कौन से एंड कौन कौन से नेचुरल. व्हेन आई से सिंथेटिक आई मीन द आर्टिफिशियल फाइबर्स और द मैनमेड फाइबर्स जो हम लोग ह्यूमंस बनाते हैं. ठीक है येस नो इट्स फाइन. सो सबसे पहला आता है आपका कॉटन जो कि ऑब्टेन किया जाता है प्लांट्स में से. तो इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स तो वो तो आर्टिफिशियल नहीं होगा. इट इज़ नेचुरल कम्प्लीटली नेचुरल. देन गाइस आपका आता है जूट. जूट जो होता है वो आपका इट इज़ ऑल्सो प्लांट फाइबर. देन आपका नायलन. नायलन जो है इट इज़ इवन यू वोंट बिलीव बट इट इज़ स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर. वो स्टील वायर से स्ट्रांग है. मतलब ओ गॉड इट इज़ स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर. यू कैन इवन इमेजिन हाउ स्ट्रांग इट इज़. वो रॉक क्लाइंबिंग वगैरह के लिए रोप्स बनाने में पैराशूट्स बनाने में यूज़ होता है. तो नायलॉन इज स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर एंड इट इज़ अ येट अनदर सिंथेटिक फाइबर. ठीक है फिर आपका वुल आता है. वुल जो होता है ना आपका ऊन जिसे बोला जाता है. ऊन किस में से ऑब्टेन किया जाता है. एनिमल्स के फ्लीस में से शिप के फ्लीस में से. देन सिल्क जो होता है. ठीक है सिल्क अब आर्टिफिशियल सिल्क भी मार्केट में आ गया. आर्टिफिशियल सिल्क अब ज़्यादातर देखने मिलता है. रेयॉन जो है आर्टिफिशियल सिल्क वो देखने के वो मिलता है मार्केट में. बट वो जो सिल्क है वो नेचुरल सिल्क कहाँ से आ रहा है. नेचुरल सिल्क हमको सिल्क वॉर्म में से मिल रहा है. ठीक है
देन रेयॉन जो है वो अभी मैंने बोला गाइस, रेयॉन जो है वो इट इज़ नथिंग बट आर्टिफिशियल सिल्क, मतलब मैनमेड सिल्क, वो सिल्क जो हम ह्यूमंस ने बनाया, वो एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जो कि सिल्क की तरह दिखता है, सिल्क की तरह वोव किया जाता है, उसे यूज़ किया जाता है। रेयॉन को जब आप कॉटन वगैरह के, कॉटन और ऐसे कुछ और मटेरियल के साथ मिला के आप कारपेट बेडशीट्स वगैरह मिला यू नो बना सकते हो। नाउ गाइस पॉलीएस्टर, पॉलीएस्टर जो होता है इट इज़ अ सिंथेटिक फाइबर जो कि कभी भी रिंकल नहीं करता, मतलब मुड़ जाते हैं ना कपड़े, मतलब कॉटन के पॉलीएस्टर के कपड़े कभी मुड़ते नहीं हैं। सो गाइस इन सब में से मैं टिक कर देती हूँ जो जो आपके लाइक ओके ये हटा ही देते हैं। उप्स ओके अब फाइन होगा, अब इट इज़ गोइंग टू बी सुपर। ठीक है चलिए, तो कॉटन जो है वो नेचुरल है हमने हाईलाइट कर दिया, जूट जो है वो नेचुरल है हमने हाईलाइट कर दिया, वूल इज़ नेचुरल, सिल्क इज़ नेचुरल हमने हाईलाइट कर दिया। ठीक है बस इतने ही नेचुरल, बाकी के जो हैं तीन वो आपके मैनमेड या फिर सिंथेटिक फाइबर्स बोल सकते हो। नाउ गाइस व्हाट इज़ नोन एज गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? तो जूट है एक ऐसा, आप बैकग्राउंड देखो कितना ब्यूटीफुल सा बैकग्राउंड है, लाइक जूट के बैग्स उनमें अलग अलग मटेरियल डाला हुआ है। सो ये इसी पे है कि जूट इज़ द चीपेस्ट नेचुरल फाइबर और उसको इसीलिए क्या गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है। ठीक है इट इज़ द चीपेस्ट नेचुरल फाइबर एंड इट इज़ आल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर। ओके नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है? व्हेन यू आर क्लासिफाइंग थिंग्स, व्हेन यू आर डिवाइडिंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स, आपने एक ग्रुप रखा, एक ग्रुप का नाम रखा ग्रुप ए बी सी डी, तो उसके नीचे आपने कुछ मटेरियल्स डाले उस ग्रुप के रिलेटेड, वो किस बेसिस पे थे, वो केमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी शेप नेचर एक्सेट्रा के ऊपर हो सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग और सॉर्टिंग टुगेदर ऑफ थिंग्स। ठीक है सॉर्टिंग ये कौन से चैप्टर में से है, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स वाला चैप्टर आ चुके हैं, चैप्टर थ्री हम लोगों ने पूरा खत्म कर लिया, अब चैप्टर फोर पहुंचे। तो सॉर्टिंग मटेरियल ग्रुप का ये पहला चैप्टर था जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि क्लासिफिकेशन एक्चुअली क्या है, या इसके रिलेटेड और क्वेश्चन आते हैं कि किस बेसिस पर हम लोग चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं। एक सेकेंड गाइस सो या एक्सक्यूज मी, सो या गाइस नाउ ये वाला हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया कि क्लासिफिकेशन क्या है। नेक्स्ट देखते हैं कि लिस्ट फाइव ईच ओपैक एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, अब हम लोग खुद क्लासीफाई करेंगे चीज़ों को। अभी सीखा क्लासिफिकेशन एग्जैक्टली होती क्या है, अब क्लासीफाई करके आपको दिखाएंगे कि क्लासीफाई होता कैसे। तो क्लासिफिकेशन इस बार हमें क्या बताया जा रहा है कि ओपैक और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में आपको क्लासिफिकेशन करनी है। ओपैक ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके थ्रू लाइट नहीं पास हो सकती। फॉर एग्जांपल आई हैव सम एग्जांपल्स एग्जैक्टली पीपल, सो यहाँ पे मेरे पास एक राइटिंग बोर्ड है। ओके सो या आई हैव दिस राइटिंग बोर्ड। ठीक है ये राइटिंग बोर्ड को आप देखो, आप ये राइटिंग, मैंने इसको अपने फेस के पास रखा है। ठीक है मैं इसे अपने फेस के पास रखी हूँ। अब आप मुझे बताओ कि क्या इस राइटिंग बोर्ड के थ्रू आप मुझे देख पा रहे हो, देख पा रहे हो मुझे? बिल्कुल नहीं, आप मुझे नहीं देख पा रहे होंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि यार जब तक लाइट के जो फोटॉन्स है वो पास नहीं करेंगे, बाउंस नहीं करेंगे, तब तक आप मुझे नहीं देख पाओगे। और ये जो राइटिंग बोर्ड है वो लाइट को इधर पास ही नहीं होने दे रहा है, एकदम राइट को लो रोक के रखा है। अब यही चीज़ हम लोग एक और चीज़ के साथ करते हैं। ये पानी की बोतल है, मैंने इसे अपने मुँह के पास रखी या फिर जितने एरिया के पास रखी, क्या आप उस एरिया को देख पा रहे हो? आप देख पाओगे ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो, क्योंकि ये बोतल ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट सा है, वैसे ट्रांसपेरेंट है ठीक है, क्योंकि ये बोतल ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनके थ्रू लाइट कंप्लीटली पास हो रही हो, कंप्लीटली पास मतलब 100 on 100। ठीक है ट्रांसलूसेंट एक ऐसा ऑब्जेक्ट्स होता है जिनके थ्रू लाइट पार्शियली पास होती है। अब ओपैक ऑब्जेक्ट्स का क्या मतलब है कि जिनके थ्रू लाइट नहीं पास हो रही है, तो आप बुक ले लो, कंपास बॉक्स, राइटिंग बोर्ड, कीबोर्ड एक्सेट्रा। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स ये वाटर बॉटल ले लिया आपने, वाटर एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है जिसमें आप अपना फेस देख पाते हो, आपका मिरर एक्सेट्रा, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर पीपल। सो आप उन सब में से जितने आपको करने आप उतना कर सकते हो क्लासिफिकेशन। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग होती क्या है? सो वो क्या किया करती है, हैंड पिकिंग इज यूज टू सेपरेट अनडिजायरेबल कॉम्पोनेंट व्हेन प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। आपने फॉर एग्जाम्पल लिया कि यहाँ पे सैंड है, तो अगर मुझे सैंड में से किसी चीज़ को हैंड पिकिंग से निकालना है तो आई नीड टू मेक श्योर दैट जिस चीज़ को मैं सेपरेट करना चाहती हूँ वो सैंड से बड़ी है। समझ में आ रहा है कि आप सबको ये बात, मतलब एटलीस्ट वो नोटिसेबल होनी चाहिए, वो बड़ी होनी चाहिए।
तभी हम लोग उसे सेपरेट कर पाएंगे, ठीक है। तो वो क्या यूज़ होती है कि जब कोई अनडिज़ायरेबल कंपोनेंट स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट हो, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो, तो आप हैंड से उसे रिमूव नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हैंड पिकिंग ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस के अंदर यूज़ की जाती है। नाउ व्हाट इज थ्रेशिंग? नाउ द सेपरेशन ऑफ शेफ, ठीक है, द सेपरेशन ऑफ शेफ इज नोन एज थ्रेशिंग। शेफ फ्रॉम ग्रेन्स वगैरह, उसको थ्रेशिंग बोला जाता है। उसको विनोइंग के मद है प्रोसेस की हेल्प से किया जाता है कि यहाँ पे आपने सूप पकड़ा हुआ है, आप हवा प्रोवाइड कर रहे हो जो कि ग्रेन्स है वो नीचे गिर रहे हैं, एंड जो डस्ट है वगैरह जिसे आपको सेपरेट करना है कम्प्लीटली, यू नो, आपको उसको डिस्पोज करना है, वो उड़ रहा है। तो ये थ्रेशिंग है। देन गाइस, व्हाट रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल? ये जो थ्रेशिंग वाला क्वेश्चन था, ये सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, हाउ, व्हाट इज, व्हेन इज हैंड पिकिंग यूज्ड, ये भी सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस वाले चैप्टर से था। देखो, तीन चैप्टर्स खत्म हमारे, अब फोर्थ चैप्टर आए हैं हम लोग, जो चेंजेस अराउंड अस है, केमिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर, ठीक है। आप लोग शायद मेरा फेस अच्छे से नहीं देख पा रहे हो, वेट, यस, नाउ आई थिंक इट्स गुड। सो व्हाट आर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस, ठीक है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं? रिवर्सिबल चेंजेस आर दोज चेंजेस विच कैन बी रिवर्स्ड, ठीक है, एंड इरिवर्सिबल चेंजेस आर दोज चेंजेस विच कैन नेवर बी रिवर्स्ड। फॉर एग्जाम्पल, रिवर्सिबल चेंजेस में आपने एक पेपर को फोल्ड किया तो फिर आप उसे ऊपर फिर से नॉर्मल स्टेज में कर सकते हो, बट इरिवर्सिबल में अगर आपने उस पेपर को कट कर दिया तो फिर आप उसे वापस नहीं ला सकते हो, आपको ग्लू से चिपकाओगे बट वो पेपर वापस नहीं मिलेगा। सो दिस इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस, ठीक है। नाउ गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन डिफॉरेस्टेशन बी कंसिडर्ड एज अ रिवर्सिबल चेंज? सो नो, डिफॉरेस्टेशन इज नॉट अ रिवर्सिबल चेंज। आपने जो फॉरेस्ट को कट किया वो रिवर्स नहीं हो सकता है, ठीक है। आपने ये ट्री को कट किया फिर वो ट्री को आप फिर से उगा दोगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो डिफॉरेस्टेशन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ रिवर्सिबल चेंज, ठीक है। नो, वॉट आर द वेरियस एक्टिविटीज फॉर विच वाटर इज नीडेड? हम लोग को वाटर किस किस चीज़ों के लिए ज़रूरत है? हमको ड्रिंकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, अलॉट ऑफ थिंग्स। तो ये आप लोगों को खुद से लिस्ट बना के लिखनी है। देखो, ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ये रिवर चेंजेस अराउंड अस का था, ये क्वेश्चन, यहाँ से हम लोग वाटर चैप्टर पहुँच गए हैं। तो वाटर चैप्टर के क्वेश्चन ये वाले हैं। नाउ, व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर? रेन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर। रेन के बिना तो भाई वाटर अर्थ पे हो ही नहीं सकता है। सो रेन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर। सोर्सेज ऑफ वाटर देर आर अलॉट, बट द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर इज रेन इटसेल्फ, ठीक है। तो ये वाटर चैप्टर में से था। नाउ गाइस, वाटर चैप्टर में से एक और क्वेश्चन है जो कि है, व्हाट इज वाटर साइकिल? तो वाटर का जो साइकिल होता है ना, उसको वाटर साइकिल बोला जाता है। तो उसमें क्या हो रहा होता है कि सारे प्रोसेसेस होते हैं, जैसे यहाँ पे, आई होप यू कैन हियर मी, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल रिवर है, ठीक है। तो ये जो रिवर है, ये इसका जो पानी है वो इवापोरेट होगा, और सन के रेज की वजह से, यहाँ पे सन होगा, ठीक है। तो सन के रेज की वजह से ये पानी इवापोरेट होगा, एंड ये पानी इवापोरेट होकर क्लाउड्स बनाएगा। तो इवापोरेट हो रहा है, इवापोरेशन, क्लाउड्स बना रहा है, देन वो प्रेसिपिटेशन, आपका कॉन्डेंसेशन, ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस टेक प्लेस, ठीक है। तो वो वाटर साइकिल हो गया। इसके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए आप मेरे वाटर चैप्टर का स्प्रिंट देख लेना। नाउ, व्हाट इज एटमोसफियर? द लेयर ऑफ एयर, ठीक है, द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ या फिर कवरिंग द अर्थ इज नोन एज एटमोसफियर। अर्थ, एयर का जो लेयर होता है ना, उसको एटमोसफियर बोलते हैं। वेरी वेरी सिंपल। नाउ गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर की प्रॉपर्टीज यहाँ पे आपको लिखनी है। तो कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज लिखी हुई है। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, एयर स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ये पानी के बोतल है, आधा पानी भरा है लेकिन बाकी का जो है वहाँ पे हवा भरी है। तो एयर ऑल्सो ऑक्यूपाइज स्पेस। एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, एवरीवेयर सीरियसली एवरीवेयर। एयर हैज नो कलर, इट इज कलरलेस, ठीक है, एंड नो वन कैन सी थ्रू इट। इट इज ट्रांसपेरेंट, एयर इज ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब देख लो, लाइट कैन कम्प्लीटली पास थ्रू इट। क्योंकि अगर एयर ट्रांसपेरेंट नहीं हो तो हमको आसपास कुछ नहीं दिख रहा, बिकॉज एवरीथिंग मतलब एवरीवेयर अराउंड अस इज एयर। और अगर हर जगह एयर है, तो अगर हर जगह एयर अपैक होता तो हम लोग को बिल्कुल कुछ दिखता नहीं। तो एयर इज ट्रांसपेरेंट का, इस मानना पड़ेगा। नाउ, व्हाट इज वेस्ट? नाउ गाइस, नेक्स्ट चैप्टर आ गए हैं जो कि प्रोबेबली शायद लास्ट चैप्टर हो, वो है, यस, है प्रोबेबली लास्ट चैप्टर, वो है गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो पहला क्वेश्चन जो बहुत फेमस है इस चैप्टर में से, वो है व्हाट इज वेस्ट? सो ऑल दोज यूज्ड एंड अनयूजेबल सब्सटेंसेज विच कैन नॉट बी रीयूज्ड इन द सेम फॉर्म आर कॉल्ड वेस्ट, या फिर जिनको आप घर से फेंक देते हो वो वेस्ट हो जाते हैं।
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डस्टबिन आर फॉर्म्ड फॉर कन्वीनियंस. हमारे कन्वीनियंस के लिए दो तरह के डस्टबिन होते हैं, ग्रीन और एक ब्लू. ग्रीन डस्टबिन फॉर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड ब्लू डस्टबिन फॉर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. When I say biodegradable waste, I mean like those waste जो कि डिग्रेड हो सकते हैं, जो कि डिकम्पोज हो जाते हैं ईजिली. नॉन बायोडिग्रेडेबल जो डिकम्पोज नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, तो उनके लिए अलग अलग कलर की डस्टबिन अवेलेबल होती है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ना गाइस, ये लास्ट क्वेश्चन है, तो जो कि सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही चैप्टर में से आपका गार्बेज इन गार्बेज आउट, कि डिफाइन लैंडफिल्स एंड कंपोस्टिंग. लैंडफिल्स और कंपोस्टिंग को आपको डिफाइन करना है. तो लैंडफिल क्या है? गार्बेज इज कलेक्टेड इन ट्रक्स एंड देन आर टेकन टू अ लो लाइंग एरिया. लो लाइंग एरिया, उस लो लाइंग एरिया को बोला जाता है लैंडफिल्स. ठीक है, ये एक्सप्लेन भी करा था मैंने. एंड कंपोस्टिंग क्या है? द रॉटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ सम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल इनटू मैनवर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग. आपका जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, जब वो मैनवर बनते हैं तो उसको कंपोस्टिंग कहा जाता है. गाइज, दैट्स इट अबाउट द सेशन. प्लीज नॉट फॉरगेट टू लाइक द सेशन अगर सच में आपको पसंद आया हो तो. एंड शेयर दिस सेशन एज मच एज पॉसिबल. सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, लाइक दिस वीडियो. एंड या, let's meet in another video. Until then, take care, tata, and bye bye. Love you all. Bye guys.